भगवान शिव ने एक बहुत ही शक्तिशाली छोटी सी विधि दी है कि तुम अपने जीवन में नाभि केंद्र से संयुक्त हो सकते हो और स्वयं के भीतर से केंद्रित हो सकते हो। तो ये केंद्रित होने की विधि है, जीवन के केंद्र से जुड़ने की विधि है। और उन्होंने सिर्फ एक सूत्र दिया कि अपने सिर के सातों द्वारों को जब आप बंद कर लेते हैं तब आपकी चेतना भीतर ठहर जाती है। कितना प्यारा सूत्र है, कितना सरल सूत्र है और कितना वैज्ञानिक सूत्र है कि आपके सिर में सात द्वार हैं, आँख दो, नाक दो, कान दो, छह और एक मुंह सात। आपकी चेतना इन सातों इंद्रियों से बाहर जाती रहती है, चेतना बाहर ही बह रही, बाहर की तरफ जा रही इन सातों इंद्रियों से। और जब थोड़े समय के लिए आप अपनी चेतना को इन सातों द्वारों से बाहर जाने से रोक दे तो क्या परिणाम होगा? चेतना ठहर जाएगी। और जब चेतना भीतर ठहर जाती है, जब श्वास भीतर ठहर जाती है, तब आपके विचारों का आना रुक जाता है। अगर चेतना बाहर भीतर जा रही है तो विचार आएंगे, लेकिन जब चेतना भीतर ठहर जाती है तब विचारों का आना बंद हो जाता है। तो जब आप इन सातों छिद्रों को बंद कर देते हैं तो आपके भीतर क्या घटना घटती है? आपके दोनों भावों के मध्य बिंदु पर, जिसे थर्ड आई कहते हैं, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, ये त्रिनेत्र जो है ये स्थान आपको उपलब्ध हो जाता है, आप इससे जुड़ जाते हैं और वहां पर चेतना स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है। और जब चेतना स्थिर हो जाती है उस समय ये सर्वग्राही हो जाती है और सर्वव्यापी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि ये जो थर्ड आई है, जो दोनों भवों के मध्य बिंदु का स्थान है, जिसे हमने त्रिनेत्र कहा है, ये आपके शरीर का अंग नहीं, ये जो विराट अनंत आकाश है बाहर का, वो आपके इस बिंदु पर आपके भीतर प्रवेश कर गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अनंत आकाश आपके दोनों भवों के मध्य बिंदु से आपके भीतर प्रवेश कर गया है, यानी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र आपके आज्ञा चक्र के दो भवों के मध्य बिंदु के स्थान से आपके शरीर से जुड़ गया है। तो जब आप इन सातों छिद्रों को बंद कर लेते हैं तो आपकी चेतना इस आज्ञा चक्र के बिंदु पर स्थिर हो जाती है। और जब आपको इस स्थान से संबंध स्थापित करने में कुशलता मिल जाती है तब आप अपने अस्तित्व के केंद्र से, यानी नाभि केंद्र से जुड़ जाते हैं। और जब नाभि केंद्र से जुड़ जाते हैं तो आपको जो पहला अनुभव होता है यही होता है कि ये विराट आकाश जो बाहर फैला है ये मेरा विस्तार है और मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं वो विराट आकाश ही हो गया। और तब आपको इन बंद आंखों से वह सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं जो इन दोनों आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। आपका त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है। जैसे आप मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी देर आंख बंद करो, फिर मैं उनको क्षणों में इस विराट अस्तित्व से इस तरह जुड़ जाता हूँ कि जो चीजें पदार्थ के रूप में नहीं है, यानी नॉन मटेरियल हैं, वे नॉन मटेरियल चीज़ें भी हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। आप हैरान होते हो, कैसे गुरुदेव आपने लिख दिया, कैसे जान लिया हमारे भीतर की बात? ये आप भी जान सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं के केंद्र से जुड़ने की कला, स्वयं के केंद्र से जुड़ने का विज्ञान सीखना होगा और थोड़ा अभ्यास करना होगा और थोड़ा प्यास को गहरी करनी होगी, थोड़ा मेरे से संपर्क बढ़ाना होगा। और मैं तो चाहता हूँ आप में से जिसके भी भीतर प्यास हो उसको ये संपदा इतनी छटपटाहट है कि मैं कैसे आपको दे दूँ, उड़ेल दूँ। मैं चाहता हूँ इतने सारे दिए इस पृथ्वी पर चल जाएं कि ये संपदा, ये सेंचुरी बुद्धों के युग के रूप में फेमस हो, और हो सकती 21st सेंचुरी
दिस सेंचुरी ऑफ एनलाइटेंड बींग्स। इन नेत्रों से आप पदार्थ को नहीं, अपदार्थ को, नॉन मटेरियल को, सटलेस्ट आइडियाज को भी आप, सटलेस्ट थॉट्स को भी आप देख सकते हैं। जब चेतना का बाहर बहना बंद हो जाता है तो चेतना अपने उद्गम स्थान पर रुक जाती है, और वह उद्गम स्थान आपका तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई। तो पहली बात आपको क्या करनी है, बार मैं आपको दिखा रहा, सातों छिद्रों को बंद करना है। कैसे बंद करेंगे? दोनों कान में दोनों अंगूठे, आंखें बंद कर ली और मुंह बंद कर लिया, और दोनों नाकों को दोनों उंगलियों से इस तरह से सातों छिद्रों को बंद करने के बाद दोनों भौहों के मध्य बिंदु को तब तक देखते रहना है जब तक श्वास को रोक सकते हैं आप। इसको बिल्कुल रोक मत दीजिएगा, उतनी देर तक ही रोकना है, पता लगा आपने जिद कर ली है कि नहीं, अब जब तक भगवान नहीं प्रकट होंगे तब तक बंद ही रखूंगा। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ तब तक रोकना है जब तक कि श्वास को आप रोक सकते हैं। तो ये प्रयोग आप तीन बार करना है एक साथ। एक बार किया, फिर थोड़ा विश्राम करके दूसरी बार किया, फिर थोड़ा विश्राम करके तीसरी बार किया, और उसके बाद 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास करना है। जितना आज मैंने समझाया इतना अच्छी तरह आपने समझ लिया, और आपके प्राणों में प्यास पैदा हो गई कि अपनी पूर्ण क्षमता को जगाना है, कभी भंग ना होने वाले आनंद को पाना है, और इस जिंदगी में शीघ्रातिशीघ्र आत्म तृप्ति की अवस्था को उपलब्ध करना है। क्योंकि अगर आप सेल्फ फुलफिलमेंट को नहीं उपलब्ध होते हैं तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, और अगर आत्म तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, पूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, यही स्वयं को जान लेना है, यही आत्मज्ञान है, यही आत्मज्ञान की कुंजी है, यही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है।